इन द लेक्चर शुड हैव, हम शुड का एक फैमिली मेंबर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसका नाम था शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये लेक्चर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसका एक फैमिली मेंबर, शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वी यूज शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म फॉर प्रेजेंट सजेशन एंड एडवाइस, प्रेजेंट सजेशन एंड एडवाइस, या सो शुड वी हैव लर्न द फर्स्ट वेरिएशन, हम एक शुड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसका नाम था शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जब भी शुड आपके जहन में आए तो शुड आपके जहन में आता है तो क्या आता है, सजेशन एंड एडवाइस, शुड जो है इंग्लिश में जो लेक्चर है शुड बड़ा ही कॉमन लेक्चर है, मेनली वो किस लिए यूज होता है, सजेशन और एडवाइस के लिए, इवन इंग्लिश में सजेशन एडवाइस के लिए और भी लेक्चर हैं, जैसे मस्ट है, जैसे सपोज टू है, जैसे ऑट टू है, जैसे कुछ हार्श वर्डिंग्स हैड बेटर है, और भी वर्डिंग्स हैं, मगर शुड उनमें सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लेक्चर है, सो अगेन वी आर ऑन द शुड, हम दोबारा शुड पे हैं, बट टुडे वी आर नॉट गोइंग टू लर्न दिस वेरिएशन, वी विल लर्न अनदर वेरिएशन ऑफ शुड, दैट इज शुड हैव, आज भी शुड पे मगर वही लेक्चर नहीं पढ़ने वाले, उसका दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं, शुड के दो ही लेक्चर हैं, दो ही हालतें हैं, दो ही जमाने हैं शुड के, एक प्रेजेंट एक पास्ट, एक प्रेजेंट एक पास्ट, ये वाला हम पढ़ चुके हैं लेक्चर, शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म किस लिए इस्तेमाल होता था, प्रेजेंट सजेशन प्रेजेंट एडवाइस, क्या फॉर्मूला था, सब्जेक्ट शुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, I should speak English. हमें Facebook use करना चाहिए? We should use Facebook. मुझे bike चलानी चाहिए? I should ride bike. मुझे university जाना चाहिए? I should go to university. Present suggestion and present advice. ऐसा कोई काम जो करना चाहिए. That is important, mandatory, obligatory, essential, whatever. फिर इसी का आज जो lecture है, वो क्या है? इसी का past. हम शुड के प्रेजेंट में तो बहुत अच्छे होते हैं, वी आर क्लेवर, वी आर नाइस, वी आर एक्सपर्ट, वी आर ग्रेट इन शुड प्रेजेंट, बट वी आर ऑलवेज वेरी वीक इन शुड हैव, शुड के प्रेजेंट में हम सब अच्छे होते हैं, किसी से बोले मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, फॉरन बोलेगा आई शुड स्पीक इंग्लिश, हमें लेक्चर लिखना चाहिए, फॉरन बोलेगा वी शुड राइट लेक्चर, उससे बोले कि हमें लेक्चर लिखना चाहिए था, हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, इवन किसी किसी को पता भी होता है फिर भी वो फ्लुएंसी में इतने अच्छे नहीं होते शुड हैव के अंदर, शुड हम बहुत अच्छा बोलते हैं, You should come on time, you should take class, you should speak English, you should write lecture. Should बहुत अच्छा बोलते हैं. जहां बात आती है should के past की, वहां पे हम काफी weak हो जाते हैं. हालांकि very simple, should plus verb first form. Should का past क्या है? Should have plus verb third form. Should have plus verb third form. Okay? We use it for present suggestion and advice. हम should have का इस्तेमाल करते हैं present suggestion और advice के लिए. यानी कोई काम कोई वक्त निकल गया है हम उस पर पछता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, उसे ये करना चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए नहीं, तुम्हें ये करना चाहिए था, पास्ट की बात हो रही है, इसमें होती है प्रेजेंट की बात, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, तुम्हें क्लास लेनी चाहिए, तुम्हें लेक्चर लिखना चाहिए, इसमें क्या होती है शुड हैव में पास्ट की बात, फिर मैं कहूंगा कि हमेशा आई नोटिस आई ऑब्जर्व आई रियलाइज आई एनालाइज दैट पीपल आर ऑलवेज वेरी वीक इन पास्ट ऑफ शुड. Even it is very easy lecture. Should have. We use it for past suggestion and advice. What is the formula for this lecture? Same like should. Only a little bit change. Okay. What? Subject. Plus should. With the should. We have to use should have. ये दो अलग अलग नहीं है. Lecture ये समझे. Should have. And after have, we have to use verb. Third form plus object. Here we were using verb first form. But here we will use the verb third form. Should में हम लोग verb की first form इस्तेमाल करते थे. और सिर्फ शुड होता था, यहां पे बस शुड के साथ हैव लग गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये रूल है कि हैव के बाद जब भी वर्ब आता है तो कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, जैसे कहते हैं भाई टू के बाद जब भी वर्ब आता है कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट ना के प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश ना के स्पीकिंग इंग्लिश, I go to school, नहीं मगर टू के बाद वर्ब नहीं आया ना, टू वर्ब जब आएगा, टू के बाद जब वर्ब आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, जैसे बिफोर बिफोर आफ्टर फॉर ऑफ, ये चार हैं, बिफोर आफ्टर फॉर ऑफ, जब भी इनके बाद वर्ब आता है कौन सी फॉर्म आती है,
ing फॉर्म आती है बिफोर आफ्टर फॉर, बिफोर गो स्कूल नो, बिफोर गोइंग स्कूल, आफ्टर टेक लंच नो, आफ्टर टेकिंग लंच, फॉर इंप्रूव इंग्लिश यू शुड कम हियर नो, फॉर इंप्रूविंग इंग्लिश यू शुड कम हियर, बिकॉज बिफोर आफ्टर फॉर ऑफ, इनके बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं वो अब आई जी फॉर्म, आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने से डर लगता है, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, अगर टू आएगा तो वो फर्स्ट फॉर्म, ऑफ आएगा तो आई एन जी फॉर्म। मिसाल दे देते हैं एक, ये ऑफ और टू का बड़ा चक्कर है, लेक्चर है एक छोटा सा, फॉर एग्जाम्पल बी अफ्रेड ऑफ प्लस वर्ब आई एन जी फॉर्म, व्हेन वी हैव फेयर टू डू समथिंग, किसी काम को करने का खौफ हो, किसी काम को करने से खौफ आए, जैसे जैसे मुझे प्रेजेंटेशन देने से डर लगता है, क्या बोलेंगे, आई एम अफ्रेड ऑफ गिविंग, आई एम अफ्रेड ऑफ गिविंग प्रेजेंटेशन, ऑफ था ना तो वर्ब आएंगे फॉर्म, मुझे ग्लासेस पहनने से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ वेयरिंग ग्लासेस, इरशाद कहते हैं सर मुझे गाड़ी चलाने से डर लगता है, राइडिंग, आई एम अफ्रेड ऑफ ड्राइविंग कार, आई एम अफ्रेड ऑफ ड्राइविंग कार, आप कहते हैं सर मुझे क्रिकेट खेलने से डर लगता है, हार्ड बॉल से, फिर प्ले ऑफ के बाद कौन सी फॉर्म आती है, मैंने कहा है आई एम अफ्रेड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मुझे वहां जाने से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग देयर, मुझे वहां जाने से डर लगता है, मुझे अपने फादर से बात करने से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू माई फादर, देखें ऑफ आ रहा है तो वर्ब की आई एन जी फॉर्म, अगर यहां टू होता, लेट सपोज मैं चेंज करूं अफ्रेड टू, तो फिर यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म आती, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, यहां गिविंग क्या हो जाता, गिव, आई एम अफ्रेड ऑफ गिविंग प्रेजेंटेशन, आई एम अफ्रेड टू गिव प्रेजेंटेशन, आई एम अफ्रेड टू गिव प्रेजेंटेशन, ओके लेट सपोज आप कहते हैं कि मुझे गाड़ी चलाने से डर लगता है, ऑफ से बनाएंगे, Everybody quiet. मुझे गाड़ी चलाने से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ ड्राइविंग कार, अब टू से मुझे गाड़ी, आई एम अफ्रेड टू ड्राइव कार, सर आप गाड़ी के साथ राइड लगा रहे हैं, आई एम अफ्रेड टू राइड बाइक, राइड कार, कार के साथ ड्राइव आता है, बाइक के साथ राइड आता है, कैमिल के साथ राइड आता है, डंकी के साथ राइड आता है, अंडरस्टैंड, यस ओके यस, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग, शिराज शिराज आप कहते हैं मुझे पेपर देने से डर लगता है, आई एम अफ्रेड टू गिविंग पेपर, हाँ दोबारा, आई एम अफ्रेड टू गिव पेपर, हाँ अब ऑफ से बनाएं, मुझे पेपर देने से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ गिविंग पेपर, यस आई एम अफ्रेड ऑफ गिविंग पेपर, आई एम अफ्रेड टू गिव पेपर, आई एम अफ्रेड ऑफ गिविंग पेपर, ओके मुझे इंडिया जाने से डर लगता है, हाँ ओके मुझे इंडिया जाने से डर लगता है, टू से बनाएं, आई एम अफ्रेड टू गो टू इंडिया, आई एम अफ्रेड टू गो इंडिया, आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग इंडिया, लाइक दिस, सो दिस इज बी अफ्रेड ऑफ, व्हेन वी हैव फियर टू डू समथिंग, किसी काम को करने से हमें खौफ आए, अच्छा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लग सकता है, मतलब ये भी हटा सकता हूँ मैं, यू भी, जैसे ये भी हट सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है इसमें, जैसे जैसे ऑफ से सेंटेंस बनाएंगे, सिप्तन ऑफ से सेंटेंस बनाएंगे, मुझे जस्ट कमिंग टू मिनट्स हियर, ओके मुझे फुटबॉल खेलने से डर लगता है, आई एम अफ्रेड टू प्ले फुटबॉल, ऑफ से बनाओ, हाँ ऑफ कहाँ आया इसमें, अरे नहीं यार नहीं, क्या हो गया यार, इतना सिंपल रूल है, कैसे और मैं जहन में बिठा दूं आप लोगों के,
ये देखे ना, आई एम अफ्रेड ऑफ, यहां पे मैंने टू लिख दिया, बस पूरा जुमला लिख दिया. प्लीज बी अटेंटिव. ओके, मुझे फुटबॉल खेलने से डर लगता है. प्लेइंग फुटबॉल, आपने वापस जाके रिवाइज भी तो नहीं करना ना, इसलिए मुझे ही करवाना पड़ेगा यहाँ पे. अब नीचे वाला, आई एम अफ्रेड टू प्ले फुटबॉल, ये प्लेइंग वो प्ले. नाइकेश, सिंपल रूल. ओके, इट्स ओके इफ यू डोंट वांट टू यूज टू, देन लीव इट. आई एम अफ्रेड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, दैट इज फाइन. आई एम अफ्रेड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल. ओके, मुझे फुटबॉल खेलने से डर लगता है. आई एम अफ्रेड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल. अब प्लेइंग भी नहीं आएगा, वर्ब भी नहीं आएगा. मुझे फुटबॉल से डर लगता है. आई एम अफ्रेड ऑफ फुटबॉल. मुझे डार्कनेस से डर लगता है. आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस. ये शराब से पूछते थे डार्कनेस की इंग्लिश क्या है. मगर आपने इनसे पूछा डार्कनेस. आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस. मुझे अंधेरे से डर लगता है. जैसे इन्होंने कहा आई एम अफ्रेड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल. आई एम अफ्रेड ऑफ फुटबॉल. मुझे फुटबॉल खेलने से डर लगता है. मुझे फुटबॉल से डर लगता है. खैर, बी अफ्रेड ऑफ. आई एम अफ्रेड ऑफ माय फादर. वेरी गुड. मोर, एनीवन मोर? यस, आई एम अफ्रेड ऑफ माय टीचर. वेरी गुड. मोर? यस, आई एम अफ्रेड ऑफ माय अंकल. यस, आई एम अफ्रेड. आई एम अफ्रेड ऑफ रिलेटिव. आई एम अफ्रेड ऑफ माय अंकल. यस, I'm afraid of my younger cousin. Yes. I'm afraid of taking class. Very nice. I'm afraid of my popo. Yes. I'm afraid of giving paper. I'm afraid of my God. Yes. I'm afraid of villages. I'm afraid of doing sin. Again, wrong. I'm afraid of doing sin. I'm afraid of doing sin. Now we should come back to the lecture. हम बात कर रहे थे should have के बारे में. Lecture का नाम है should have plus verb third form. बात करते हैं past suggestion और past advice के लिए. क्या formula है जिसका? Subject plus should have plus verb third form plus object. बीच में lecture आ गया afraid of. फिर हम लोग दूसरा इधर उधर चले गए. अभी आते हैं should have plus verb third form plus object. तो should plus verb first form करना चाहिए. should have plus verb third form. We use it for past suggestion and advice. Subject plus should have plus verb third form plus object. You should have taken class. आपको क्लास लेनी चाहिए थी. You should take class. आपको क्लास लेनी चाहिए. मगर अभी हम बात कर रहे हैं पास्ट की. क्या आपको क्लास लेनी चाहिए थी? तो क्या हो जाएगा? You should have taken class. आपको क्लास लेनी चाहिए थी. She should have written lecture. उसे lecture लिखना चाहिए था. Let's suppose कोई girl है. Let's suppose आपने lecture नहीं लिखा और मैं कहता हूँ lecture कहाँ है? आप कहती हैं sir नहीं लिखा. मैं कहता हूँ oh no. She should have written lecture. उन्हें lecture लिखना चाहिए था. She should have written lecture. उसे lecture लिखना चाहिए था. They should have given paper. आप कहते हैं सर दो तीन students ने paper नहीं दिया. मैं कहता हूँ ये तो बहुत बुरा किया. They should have given paper. उन्हें paper देने चाहिए थे. और should have को बहुत अच्छा हम लोग मिला के should have कहते हैं इस तरह लिखने में. Should have कैसे? ये apostrophe और like this. Should have. और बोलने में कैसा आता है? ये बोलने में इस तरह आता है. Should have. Okay. You should have taken class. और बोलने में ऐसा आता है. Should have. तो पास्ट की बात हो रही है. वक्त गुजर चुका है. हम उस पर रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था. मुझे क्लास लेनी चाहिए थी. आई शुड हैव टेकन क्लास. मैं कहता हूं लास्ट टाइम आप ड्रीम वर्ल्ड नहीं गए. आप कहते हैं यस सर मुझे ड्रीम वर्ल्ड जाना चाहिए था. गो टू गो वेंट गॉन. आई शुड हैव गॉन टू ड्रीम वर्ल्ड. मुझे ड्रीम वर्ल्ड जाना चाहिए था. हमें मुझे ड्रीम वर्ल्ड जाना चाहिए था. टेस्ट प्रिपेयर नहीं किया, अच्छा नहीं हुआ. मुझे टेस्ट प्रिपेयर करना चाहिए था. आई शुड हैव प्रिपेयर्ड द टेस्ट. मुझे टेस्ट प्रिपेयर करना चाहिए था. मुझे टेस्ट प्रिपेयर करना चाहिए था. ओके, तो वो तमाम काम जो वक्त निकल गया उसको कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था. ओके, मुझे लास्ट
मुझे सैटरडे यूनिवर्सिटी जाना चाहिए था. आई शुड हैव गॉन यूनिवर्सिटी. मैं कहता हूँ मूवी देखी आपने ओली? कहते नहीं सर. मैं कहता हूँ आपको मूवी देखनी चाहिए थी. आई शुड हैव वॉच्ड मूवी. देखा इलेक्ट्रिसिटी का बिल? इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दिया उन्होंने, डिस्कनेक्ट कर दिया. आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना चाहिए था. I should have paid electricity bill. What is? हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकसिटी. क्या? इलेक्ट्रिकसिटी. हालांकि होती है इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी या ये लेट्स पे ये से आई शुड हैव पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल. ओके सो यू शुड हैव टेकन क्लास. व्हाट इज द नेगेटिव? यस नेगेटिव हैव के बाद नहीं आएगा, शुड के बाद आएगा. यू शुडंट हैव टेकन क्लास. यू शुडंट हैव टेकन क्लास. आपको क्लास नहीं लेनी चाहिए थी. शुड यू हैव टेकन क्लास. क्या आपको क्लास लेनी चाहिए थी? ओके ही शुडंट हैव टेकन क्लास. उसे क्लास नहीं लेनी चाहिए थी. इंटरोगेटिव शुड ही हैव टेकन क्लास. है भी लगेगा, हैज नहीं लगेगा. आप बोले सर ही के साथ तो हैज लगते, तो यहां ही शुडंट हैज होना चाहिए, ही शुड हैज होना चाहिए. नॉट पॉसिबल. ऑल द टाइम एवरी प्लेस एवरी सेंटेंस वी हैव टू यूज शुड हैव. हर जगह में शुड हैव इस्तेमाल करना होगा. और इसका नॉन एक्शन भी बनता है. अब फिर वही नॉन एक्शन में आप कंफ्यूज होंगे. वर्ब थर्ड फॉर्म की जगह बीन या हैड लगता है. कंडीशन के लिए बीन, प्रॉपर्टी के लिए हैड. पिछला लेक्चर यू शुड प्ले क्रिकेट. तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, तुम्हें क्रिकेटर होना चाहिए. ये क्या था? यू शुड बी अ क्रिकेटर. आपको क्रिकेटर होना चाहिए. यू शुड बी अ क्रिकेटर. यहां जब वो जुमला बनेगा पास तो क्या हो जाएगा कि आपको क्रिकेटर होना चाहिए था. यू शुड हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म की जगह क्या आ जाएगा? You should have been a cricketer. आपको क्रिकेटर होना चाहिए था. आपके पास बैट होना चाहिए था. वहां कहते थे यू शुड, आपके पास बैट होना चाहिए तो वहां कहते थे यू शुड हैव बैट. यू शुड हैव बैट. यहां कह रहे हैं आपके पास बैट होना चाहिए था तो हम कह रहे हैं यू शुड हैव हैड. यू शुड हैव हैड अ बैट. अभी भी किसी ने कहा यू शुड हैव बीन अ बैट. इसका मतलब है आपको बैट होना चाहिए था. You should have had a bed. सिर्फ सिंपल verb third form की जगह क्या इस्तेमाल हो रहा है? Been or had. Been or had. ये ज्यादा आसान है इससे, फिर भी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं. मुझे क्लास में होना चाहिए था. I should have been in class. मुझे क्लास में होना चाहिए था. मेरे पास मुझे क्लास में होना चाहिए. हाँ I should be in class. मगर हम ना कैसे क्या बना जुमला? प्रेजेंट तो वर्ब थर्ड फॉर्म थोड़ी है. ये हो गया आई शुड हैव प्रेजेंटेड इन क्लास. मुझे क्लास में प्रेजेंट करना चाहिए था. नॉन एक्शन है यही चीज जिसमें काम बताते ही नहीं है, हालत बताते हैं. मैं कहता हूं तुमने पार्टी मिस कर दी, तुम पार्टी में नहीं आए. कहते हैं ओह यस सर आई शुड हैव बीन इन पार्टी. मुझे पार्टी में होना चाहिए था. आई शुड हैव बीन इन पार्टी. मैं कहता हूं आपके पास टिकट नहीं था इसलिए PSL में अंदर नहीं जाने दिया. कहते हैं यस सर आई शुड हैव हैड टिकट. मेरे पास टिकट होना चाहिए था. ऐसे इसका भी नेगेटिव होता है. एक्शन नॉन एक्शन, एक्शन नॉन एक्शन, एक्शन नॉन एक्शन. सिंपल इज दैट. एक्शन नॉन एक्शन, एक्शन नॉन एक्शन. ओके जैसे जैसे मुझे पार्टी सेलिब्रेट करनी चाहिए थी. हाँ क्यों? I should have celebrated party. मुझे पार्टी सेलिब्रेट करनी चाहिए थी. मुझे पार्टी में होना चाहिए था. ये तो है मुझे पार्टी में होना चाहिए आज. आज कल जो रात को ये उसमें पार्टी में होना. आई शुड हैव बीन इन पार्टी. मेरे पास पासेस होने चाहिए थे. आई शुड हैव हैड पासेस. पहचाने पास्ट को. मैं फिर कह रहा हूं कि आपको लग रहा होगा यस वी हैव अंडरस्टूड द लेक्चर, समझ आ गया लेक्चर, और सर बड़े सीरियस हो रहे हैं और यूं हो रहे हैं और वो हो रहे हैं. ऐसा कोई मसला नहीं है. मैं कह रहा हूं ये लेक्चर बड़ा मुश्किल है, लोगों को नहीं आता बोलना. इसका मतलब है जो आपको पहले शुड आता था ना आपने वही आके सीखा और बस वैसे ही चले गए, नई चीज सीखी नहीं.
जो असल चीज सीखने आए थे शुड हैव वो सीखा ही नहीं कि भाई उस पर टाइम पास करके नहीं भाई निकलो कोई बात नहीं. ओके यस. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कंफ्यूज करते हैं थोड़ा, हसन से पूछते हैं कि मेरे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, मुझे कॉन्फिडेंट होना चाहिए था. दोबारा मैं बोल रहा हूं कि मुझे कॉन्फिडेंट होना चाहिए था, कंडीशन की बात हो रही है. I should have it, नहीं, आप कह रहे मेरे पास होना चाहिए था कॉन्फिडेंट. I should have been a confident. दो चीजों को बहुत मिक्स कर रहे हैं. चलें आसान पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं आसान पूछ लेते हैं. ओके आप कहते हैं मुझे सेमिनार में होना चाहिए था. ना, ये तो हो गया कि मेरे पास सेमिनार होना चाहिए था. सिंपल होनी नहीं चाहिए, कंडीशन के लिए बीन, प्रॉपर्टी के लिए हैड. आपका सेमिनार में होना आपकी हालत है या आपकी मिल्कियत है? आपका हालत है तो फिर हैड कैसे आ सकता है? हाँ तो मुझे सेमिनार में होना चाहिए था. आई शुड हैव बीन इन सेमिनार. चले इसी को प्रॉपर्टी में बना दें. मेरे पास सेमिनार होना चाहिए था. सेमिनार. फिर बता दूं, हैव हैड वाला कम इस्तेमाल होता है, शुड हैव बीन वाला बहुत इस्तेमाल होता है. यू शुड हैव बीन देयर, यू शुड हैव बीन देयर, ही शुड हैव बीन इन पार्टी, वी शुड हैव बीन इन क्लास, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. आपको लग रहा होगा क्योंकि आप नहीं बोलते तो आपको लग रहा होगा दिस लेक्चर इज रेयर, वी डोंट स्पीक टू मच, बट इन रियल आई वुड लाइक टू से, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू और इन्फॉर्म यू दिस थिंग दैट वी स्पीक अ लॉट दिस लेक्चर, इवन एक्शन, इवन नॉन एक्शन. शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म. अब वर्ब थर्ड फॉर्म आप एक्शन लगा लें या नॉन एक्शन लगा लें आप पे डिपेंड करता है. ओके जैसे आपको प्रेजेंटेशन देनी चाहिए थी, यू शुड हैव गिवन प्रेजेंटेशन. आपको प्रेजेंटर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन प्रेजेंटर. आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए थे, यू शुड हैव हैड पॉइंट्स. अभी आप अफर्मेटिव में इतना कंफ्यूज हैं, जब इसके नेगेटिव बनेंगे. आपको नर्वस नहीं होना चाहिए था शिराज, आपको नर्वस नहीं होना चाहिए था. आप यू शुड हैव नॉट हैव के बाद नॉट कैसे आ गया? You shouldn't have been nervous. आपको नर्वस नहीं होना चाहिए था. आपके पास गन नहीं होनी चाहिए थी.